बृहस्पतिवार को नगर निगम ऋषिकेश की महापौर अनिता ममगाई ने अपने 3 सालों का कार्यकाल पूरा कर लिया। 3 साल के कार्यकाल पर नगर निगम के पार्षदों ने मेयर को पुष्प गुच्छ के साथ ही मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद ऋषिकेश 3 साल पहले नगर निगम बनी थी और अनिता ममगाई ऋषिकेश नगर निगम की पहली महापौर। अनिता ममगाई ने इन 3 सालों को बेमिसाल बताते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने अगले 2 सालों में पार्किंग, संजय झील का निर्माण, बैराज जलाशय में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने के साथ ही त्रिवेणी घाट में गंगा की धारा को प्रमुख घाट तक लाने के कार्यों को प्रमुख लक्ष्य बताया। महापौर अनिता ममगाई ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल की जानकारी देते हुए बताया कि 3 सालों में उन्होंने अधिकारियों और पार्षदों के सहयोग से क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को निस्तारित करने में सफलता हासिल की। ट्रेंचिंग ग्राउंड, वेंडिंग जोन, स्वच्छता मिशन, चौराहों का सौंदर्यीकरण, हाईटेक डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, भवन कर में 50% की छूट, 50,000 डस्टबिन वितरण और मेयर हेल्पलाइन के जरिए समस्याओं का त्वरित निस्तारण इनमें प्रमुख है। नगर में पुलिस प्रशासन को सहयोग करने के लिए हाईटेक तकनीक से लैस 69 CCTV कैमरे भी लगवाए गए ताकि आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने में पुलिस को मदद मिल सके। महापौर ने बताया कि अगले 2 वर्षों में उन्होंने जो रोड मैप तैयार किया है उसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संजय झील का निर्माण व बैराज जलाशय में वाटर स्पोर्ट्स शुरू कराना, शहर में मल्टी स्टोरेज पार्किंग का निर्माण करवाना प्रमुख रूप से शामिल है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए स्वीकृति मिलना इन 3 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इसके अलावा उत्तर भारत के सबसे बड़े वेंडिंग जोन को बनाने में नगर निगम कामयाब रहा। उपलब्धियों के पिटारे में हाईटेक शौचालय के निर्माण एवं त्रिवेणी घाट में नमामि गंगे के सहयोग से गंगा अवलोकन केंद्र भी शामिल रहा। इस मौके पर स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में 53वां स्थान एवं उत्तराखंड में आबादी के आधार पर प्रथम स्थान हासिल करने पर महापौर ने निगम पार्षदों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ तमाम शहरवासियों को भी बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।